हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय मैं आपको देने वाली हूँ अपडेट हमारे नेक्स्ट मैच की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 6 मई शाम 7:30 बजे होने वाले मैच बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड आरसीबी एट अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। जी हाँ, होस्ट टीम दिल्ली कैपिटल जीत कर आई है एक लीडिंग टीम गुजरात टाइटंस से। कैन यू बिलीव इट, मतलब पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे चलने वाली टीम एक दिग्गज टीम को हरा कर आ रही है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे होगा। ऑल्दो दिल्ली कैपिटल इस बार बहुत अच्छा नहीं खेली है, हार्डली 3 ही मैच जीते उन्होंने इस आईपीएल सीजन में, एंड टीम मोस्ट प्रोबेबली अब प्ले ऑफ के लिए नहीं जा पाएगी। बट नेवर माइंड, कैप्टन खेलेंगे अपनी टीम की प्राइड के लिए, अपना आत्मसम्मान और अपना कॉन्फिडेंस बरकरार बनाए रखने के लिए। वहीं बात करें आरसीबी की, आरसीबी लास्ट मैच में लखनऊ सुपर जायंट को हरा कर आ रही है। यानी ये दोनों ही टीमें ऐसी दो टीमों को हरा के आ रही है जो टीम पॉइंट टेबल पे हमेशा टॉप 5 से नीचे उतरने का नाम नहीं लेती है और लीड पर ही रहती है। लखनऊ सुपर जायंट के अगेंस्ट आरसीबी ने जो मैच खेला था उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस अलग बूस्टअप पे। लास्ट 4 मैचेस में 3 मैचेस लगातार आरसीबी जीत रही है, एंड इस सब के बाद आरसीबी का परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस और सब कुछ ही हमारी ऑडियंस को देखने को मिला है कि एक कंप्लीटली चेंज टीम ने काफी हेल्प किया हुआ है। कैप्टन विराट कोहली का पूरा ध्यान होगा इस मैच को जीतने के लिए। वहीं दिल्ली कैपिटल्स में डेविड वार्नर भी अपने बैट्समैन से एक्सपेक्ट करेंगे कि टीम अच्छा ही आउटपुट दे, सो दैट दे कुड गेट देयर अनदर विन। अगर बात करें हम पिच की, तो पिच में इट्स लाइक बैट इज प्रॉपरली कमिंग टू द बॉल, दैट मीन्स बैट्समैन गेट अ गुड स्कोर, बैट्समैन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आरसीबी के साइड से हमारा पूरा परफॉर्मेंस जो भी रहेगा वो 3 की प्लेयर्स जो कि खुद केजीएफ हैं उन पे ज्यादा है, एंड टीम के कैप्टन विराट कोहली वही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द की प्लेयर्स, आरसीबी की बात करें तो इट्स ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली एंड दूसरी तरफ एंड मोहम्मद सिराज। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारी डीसी की, तो डेविड वार्नर, ईशांत शर्मा, एंड्रिस नॉर्टे। आई विल से आरसीबी विल इजिली डिफीट दिल्ली कैपिटल्स एज दे आर इन द स्ट्रॉन्गर फॉर्म, और मेरे पूरे इस ब्लॉक के समझ में भी आ गया होगा। For more update, for more information, keep following us on the link given below.